हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे गुजर रहे हैं जी रोज़े? माह रमज़ान बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सहरी और इफ्तारी की रूटीन और बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी आपको दूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये मेरी सहरी तैयार है। नॉर्मली तो हम पराठा खाते हैं लेकिन आज मैं ब्रेड खा रही हूँ। तो सहरी करने के बाद अब नमाज का वक्त हो गया है तो मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ। तो ये फजर के बाद का बहुत ही पीसफुल सा वक्त है जहाँ परिंदे जो हैं वो अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं और अपने घरों से निकलते हैं रिस्क के तलाश में। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आ रही है। तो अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी अगेन और सुबह इंशाल्लाह उठ के बहुत सारे काम करेंगे, इफ्तारी की तैयारी भी करेंगे। तो गुड मॉर्निंग अगेन और सुबह हो गई है। बाहर के कुछ काम थे पहले वो किए और उसके बाद घर जाके तैयारी करनी है इफ्तारी की। थोड़ी सी तैयारी जो है वो मैं दोपहर को कर देती हूँ और फिर दोबारा जब इफ्तार का टाइम होता है तो एक घंटा या आधे घंटे पहले तब किचन में जाती हूँ। तो जी हम आ गए हैं किचन में और अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपको रेसिपीज देना। सबसे पहले बनाएंगे हम चिकन वेज चीज़ बॉल्स। तो ये चीज़ बॉल्स बनाने के लिए हमें चाहिए है थोड़ा सा बॉयल्ड चिकन और उसमें हम ऐड करेंगे बॉयल्ड पोटैटोज़ और उनको मैश कर लेंगे। इसमें मैंने ऐड कर दिया है गाजरें ऐड की हैं मैंने चॉप करके और शिमला मिर्च। स्वीट कॉर्न भी ऐड करेंगे और चीज़ ऐड करेंगे, मोज़रेला चीज़ ऐड की है मैंने। थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक, थोड़ी सी मैंने मिक्स्ड हर्ब्स ऐड की हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप ओरिगानो ऐड कर लें या फिर सूखा धनिया ही ऐड कर लें। थोड़ा सा इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर, लहसुन पाउडर और थोड़ी सी मैंने ऐड की है पिमियंता दुलसा यानी कि पेपरिका। थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देसी मसाले मत ऐड कीजिएगा इसमें, हाथों से मिक्स करेंगे तब भी बैटर अच्छे से बनेगा। तो ये बैटर तैयार हो गया है, अब इसके हमने बनाने हैं बॉल्स। तो थोड़ा सा ऑयल लेंगे और हाथों पे आप ऑयल लगा लें ताकि ज़्यादा चिपचिप ना करे बैटर। तो ये बस अब हम बॉल रेडी करेंगे। और ये प्यारा सा बॉल रेडी है। इसी तरह सारे बैटर के बॉल्स बना लेंगे। हर बॉल बनाने से पहले आप हाथों पर ऑयल लगा लें, थोड़ा सा ऑयल लगाना है। तो ये मैंने बना लिए हैं सारे बॉल्स। अब हमने इन पे कोटिंग करनी है। कोटिंग करने के लिए मैंने एग में थोड़ा सा दूध ऐड किया है, अंडे में थोड़ा सा दूध ऐड करके फेंट लेंगे। साथ हमें चाहिए हैं ब्रेड क्रम्स। बॉल्स को हम ऐड करेंगे पहले एग वाले बैटर में और उसके बाद ब्रेड क्रम्स पे।
अच्छा, मैं अपना हाथ गंदा नहीं करना चाह रही थी, जैसे वो क्रम्स जो होते हैं वो सारे उंगलियों पर लग जाते हैं, तो मैंने नया आइडिया इजाद किया है, और इस तरह आप अगर करेंगे तो क्रम्स जो हैं वो आसानी से बॉल्स पर लग जाते हैं। तो बस आपने इस तरह से घुमाना है और बॉल्स पे खुद ही क्रम्स लग जाएंगे। तो ये हो गया तैयार हमारा एक चीज़ बॉल। इसी तरह हम बाकी भी कर लेंगे, बाकी पे भी कोटिंग कर लेंगे सारों पे। तो ये देखें, सारे बॉल्स पे बड़ी ज़बरदस्त सी कोटिंग हमने कर ली है। अब हमने इसको रखना है थोड़ी देर फ्रीज़र में, ताकि ज़रा सेट हो जाए। तो अब मैं बनाने लगी थी पेरी पेरी बाइट्स, या जो स्टफ्ड मिर्चें होती हैं वो। तो इसके लिए थोड़ा सा कीमा मैंने ऐड किया है पानी में, थोड़ा सा, एक गिलास पानी है और उसमें थोड़ा सा कीमा। मसाले ऐड करेंगे, नमक थोड़ा सा और थोड़ी सी क्रश चिली फ्लेक्स। थोड़ा सा ऐड किया मैंने गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा सूखा धनिया। सारे मसाले ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, और कीमे को हम पकने देंगे इस पानी में। जब सारा पानी सूख जाएगा तो फिर उसके बाद हम ऑयल ऐड करेंगे। ये वाली मिर्चें हैं जो जिनकी हम स्टफिंग करेंगे, तो इनमें हम कट लगा कर इसके अंदर से बीज यानी कि सीड्स बाहर निकाल लेंगे। तो स्पून की मदद से आप इस तरह से सारे बीज हैं जो वो बाहर निकाल लें, डस्टबिन के पास जाके खड़े होकर निकाल लीजिएगा। तो ये मैंने लगा ली हैं तीन मिर्चों को कट्स, और इनको अब हम डालेंगे विनेगर वाले पानी में। पाकिस्तान वाले लोग हैं जो वो ज़्यादा देर इनको विनेगर वाले पानी में रखें, क्योंकि वहाँ पे मिर्चें ज़्यादा कड़वी होती हैं, हमारी इतनी कड़वी नहीं होती हैं। बस हम थोड़े से टाइम, यानी कि जितनी देर में मेरा बैटर तैयार होगा तो उतनी देर इनको मैंने डिप किया है। और कीमा यहाँ जो है वो ज़रा तैयार हो गया है, पानी इसका सूख गया है, थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है। जब सारा पानी सूख जाएगा तो हम ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और फिर हम ज़रा कीमे को अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट कीमे को भूनने के बाद हम ऐड करेंगे इसमें टोमेटो पेस्ट, तकरीबन ये हैं 3 से 4 टेबल स्पून्स हैं, और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टोमेटो पेस्ट भी थोड़ी सी पक जाए और फिर हमारा बैटर बस तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया है, अब हमने इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हम मिर्चों की स्टफिंग करेंगे। आप स्पून की मदद से ही ऐड कर लें, जितना भरना है आपने उस हिसाब से आप भर लें। आप चिकन की भी स्टफिंग कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप कीमे की जगह चिकन यूज़ कर लें। तो तीनों मिर्चों को मैंने भर लिया है, इसके बाद हमने इसकी भी कोटिंग करनी है। अच्छा, मैंने जो पहले कोटिंग यूज़ की थी चीज़ बॉल्स के लिए, मैं वही यहाँ पे भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अंडा भी बचा हुआ था और ब्रेड क्रम्स भी थे। यूजुअली लोग मैदे की, यानी अंडे की जगह मैदे की भी कोटिंग देते हैं। मैदे और पानी को मिक्स करके आप एक स्लरी बना लें, बीच में थोड़ी सी मिर्चें ऐड कर लें और आप उससे कर लें इनकी कोटिंग। तो इनको भी अब मैं थोड़ा सा फ्रीज़ कर लूँगी, और जब इफ्तारी का टाइम होगा तो फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो अब हम बनाएंगे चने की दाल मखनी। उसके लिए हम ऐड करेंगे ऑयल, मैं प्रेशर कुकर में बनाऊँगी तो मैं उसी में ऐड कर रही हूँ, आप किसी भी वोक में ऐड करें। थोड़ा सा ऐड करेंगे ज़ीरा और अदरक लहसुन की पेस्ट, या चॉप करके ऐड कर लें आप। 1.5 टीस्पून ऐड किया है मैंने, तो सौते कर लेंगे, थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे अदरक लहसुन का।
और जब गार्लिक जिंजर का कलर चेंज होगा तो हम टोमेटो पेस्ट स्टार्ट कर लेंगे। मैंने ऐड किया है 3 टेबलस्पून हैं तकरीबन। इसके बाद आपने सारे मसाले ऐड कर लेने हैं, जिनमें है हल्दी, सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक। आप अपनी पसंद से ऐड कर लें। और फिर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दही, और अच्छे से फिर सारी चीज़ों को मिक्स करके हम मसाला भून लेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है। अगर आपके पास टमाटो बेस नहीं है तो आप टमाटर, फ्रेश टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और फिर से भून लेंगे। और ये मैं ऐड करने लगी हूँ चने की दाल, जिसको मैंने रात भर भिगोया है। ये हाफ मग दाल है, सिर्फ पानी में भिगोया था रात भर, और अब पानी निकाल के इसको हम ऐड कर देंगे मसाले में। टू थ्री मिनट्स हम अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद पानी ऐड करेंगे। तो ये मैंने ऐड कर दिया है 1 ग्लास पानी, और क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में इसको बनाने लगी हूँ, आप लोगों ने अगर वैसे ही बनाना है तो आप 1.5 ग्लास पानी ऐड करके हल्की आंच पे से रख दीजिएगा पकने के लिए। तो जी, ये अब मैंने 10 मिनट के बाद जब ओपन किया है तो दाल अच्छे से गल गई है, और इसको दोबारा हाई फ्लेम पे ज़रा थोड़ी देर पकाऊंगी मैं। और ये देखें, मज़ेदार दाल हमारी तैयार है, बहुत ही मज़े की, लेसली लेसली। सहरी में भी ये दाल बहुत अच्छी लगती है पराठों के साथ। तो बस ये अफ्तारी का टाइम अब करीब आ गया है, तो मैं चीज़ें वगैरह फ्राई करने लगी हूँ। तो अब हम सब किचन में आ गए हैं, और मिलजुल के हम एंड पे अफ्तारी के टाइम पे सारे काम कर लेते हैं। एक मेरी बहन है जो वो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी शेक बना रही है, तो इसमें हमने क्रीम ऐड की है, स्ट्रॉबेरीज ऐड की हैं, चीनी ऐड किया और दूध ऐड किया है, और बस ब्लेंड कर लेना है आपने। और यहाँ पे मेरी जो दूसरी बहन है वो रोटियाँ बना रही है। तो ऐड करेंगे चीज़ बॉल्स। अच्छा, चीज़ बॉल्स को आपने बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना, करना तो आपने मीडियम हाई पे ही फ्राई है, लेकिन आपने जस्ट इनको हल्का सा गोल्डन होने देना है, और फिर आपने इनको बाहर निकाल देना। अगर आप बहुत ज़्यादा देर इनको फ्राई करेंगे तो चीज़ पॉप आउट होना शुरू हो जाएगी और आपकी बॉल्स की शेप भी ख़राब हो जाएगी। तो ये देखें, ये बस गोल्डन से हो गए हैं, और चीज़ आपको नज़र भी आ रही होगी, तो मैं बस बाहर निकालने लगी हूँ। और अब मैं ये पेरी पेरी बाइट्स, यानी कि जो मिर्चें थी, इनको भी फ्राई कर रही हूँ। एक बेचारी मिर्च का हशर हो गया है, उसकी मैंने सही तरह कोटिंग नहीं की थी एक्चुअली, तो आपने कोटिंग बिल्कुल अच्छे से करनी है ताकि आपकी भी प्यारी प्यारी मिर्चें बने। और दाल को मैंने दोबारा से गरम कर लिया है, और इसमें धनिया भी ऐड कर दिया है। तो इसे डिश आउट कर लेंगे, और थोड़ा सा इस पे मक्खन रखेंगे और फिर सर्व करेंगे। और हमारी इफ्तारी तैयार है, आपने सारी रेसिपीज ज़रूर ट्राई करनी है। अब वक्त है दुआ का, और आप सबके लिए भी ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आप सब की तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। आपके रिस्क में इजाफा फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। तो उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत सारी रेसिपीज़ पेंडिंग हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ आपको देनी हैं। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।